रिकॉर्डिंग शुरू है। हेलो, अभी बंद कर दे, अभी बंद कर दे, अभी बंद कर दे, अभी बंद कर दे। ये बच्चे भी बार बार कैमरा खोल लेते हैं अपने आप, बंद कर दे। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी सीन ये है कि अर्जुन जा रहा है गुड़गांव, अभी ये लोग ससधारा जाएंगे फिर उधर से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ले रहा है मेरी कार की ट्राई। तो अभी हम अपने प्लॉट पे जा रहे हैं, इसको प्लॉट भी दिखा देता हूँ और कार की ट्राई भी हो जाएगी। तो अभी हम प्लॉट पे आए थे, सबसे पहले प्लॉट देख लिया, अब जा रहे हैं ससधारा की तरफ। काफ़ी ठंडक हो रही है और सामने जो पहाड़ है वो दिख भी नहीं रहा, आज इतनी फोग आया हुआ है। ससधारा की तरफ जाते हुए और ये हमारे यहाँ प्यारा सा ब्रिज, जब वो देखो भाई झरना दिख रहा है। ये पहुंच गए ससधारा, ये यहाँ पे रिवर। कार पार्क कर दी है, अब सीधा सबसे पहले जाएंगे वाटरफॉल पे, मेन मेन चीज दिखाऊंगा ससधारा की। चलो मेरा कैमरा हो गया डाउन और इसमें बैटरी भी घर पे भूल गया हूँ मैं, एक्स्ट्रा बैटरी। तो अभी ये ऋषभ के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ की वीडियो। पीछे ससधारा का फेमस वाटरफॉल है, बहुत कम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, काफी नीट एंड क्लीन और ठंडा पानी है अभी फिलहाल यहाँ पे। मेन ये है, पानी टच करके देखना कैसा है, कैसा है, नॉर्मल है। मुझे आज भी याद है जब हम देहरादून में रहते थे 1998 में, तब ना हमने इस पत्थर बैठ के फोटो खिंचवाया था, आज भी फोटो रखा है घर पे। ये पत्थर बहुत पुराना है, चलो इस पे चलते हैं। अरे इस पे भी कैमरा आ गया, ये भी व्लॉगर बन गया, देखें काफी शांत माहौल है, कोई टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे हमारे अलावा फिलहाल। इस बड़े से पत्थर पे आ गया हूँ मैं, बहुत पुराना पत्थर है ये, कितनी आपदाएं आई हैं लेकिन इस पत्थर को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था एक बार, बहुत ज्यादा पानी आ गया था, सब टूट गया था यहाँ पे, जो भी कुछ था सब टूट गया था। और देखो सामने रोप वे, सामने अभी बंद पड़ा है, ट्रॉली चल नहीं रही है क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम है। बच्चे पत्थर फेंक के एंजॉय कर रहे हैं। चल फेंक, देखता हूँ कितने टप्पे खाएगा, फेंक एक पतला सा पत्थर, फेंक फेंक दो बार, सिर्फ दो ही बार खाए, हाँ देखते हैं। एक एक ही खाया, दो खाए, दो दो खाए, दो चार नहीं खाए भाई, दो ही खाए हैं। कंपटीशन चल रहा है कौन कितने बार टप्पा पत्थर का टप्पा मारेगा, ये गेम आपने भी खेला होगा बचपन में। एक दूसरा तो दीवार में जाके लग गया, चल एक एक ही। ये देखो यहाँ पे वाटर पार्क है जो कि फिलहाल अभी बंद पड़ा है, वो लाफिंग बुद्धा देख रहा हूँ। और ये देखो ससधारा, तो यहाँ पे एक भैया मिले हैं, वो कह रहे मेरे पास एक भूटिया डॉग है, वो देख लो, अगर देखना है तो अच्छा लगे तो खरीद लेना। तो अभी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, तो बोल रहे हैं अभी आ जाओ आगे, दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो, देखते हैं क्या क्या माल है इनके पास। ये है भाई, ये है, अरे वाह अरे वाह, ये तो बढ़िया है। अच्छा आप कहाँ से आए भैया, उत्तरकाशी से? उत्तरकाशी, ये वही है, ये है प्योर बोट है, वो तो मैंने इसके साथ खेलने के लिए ना रोड से पकड़ लिया था। ये आप ठीक कह रहे हो, ये प्योर है, ये सोता भी होगा दिन में, रात को जगता होगा, पहरा देता है। ये बताओ किसी ने मंगा रखा था? हाँ अच्छा, किसी ने मंगा रखा था, उसने लिया नहीं, उसने बोला कि आ जाऊंगा कल आऊंगा। अच्छा वो आ नहीं रहा। अच्छा अरे कोई बात नहीं, कोई और लेगा। तो आप कितने में दोगे बताओ, मैं यूट्यूबर हूँ, कोई आएगा तुरंत बिकवा दूंगा। अरे वाह, डॉग है ना, तो मेल है ना? मेल है भाई, मेल है। तो भैया का नंबर ले लेता हूँ मैं, और अगर किसी को भाई ये चाहिए तो बता देना, 10,000 रुपीज। हाँ भैया बोल रहे इसका एक बहुत अच्छा गुण है, एक बार बता दो कि कहाँ पे पोटी करनी है वहीं पे ही जाएगा, वाशरूम बता दी तो वाशरूम में जाएगा। नहीं जाएगा ना, भैया बोल रहे अगर मैं खाना खिला रहा हूँ तो इनके हाथ से खाएगा, और कोई और खाना खिलाएगा बैला फुसला के ले जाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये तो बहुत अच्छे गुण होते हैं इनमें तो। सुन अर्जुन अर्जुन, ये फ्लैट में नहीं रहेगा है? ये फ्लैट के नहीं, तो फार्म हाउस के खेतों के होते हैं ये। ये डॉग है भाई, भूटिया, प्योर भूटिया, उत्तरकाशी से लाए हैं भैया, 10,000 रुपीज में मिल रहा है, और अगर किसी को चाहिए तो तुरंत बता दो, बहुत प्योर भूटिया है और रेयर मिलते हैं ऐसे डॉग, 10,000 रुपीज में दे रहे हैं, किसी को चाहिए तो बता दो। ये वीडियो मैं जनवरी में बना रहा हूँ, आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी 2022। ठीक है भैया, मैंने नंबर ले लिया आपका।
The next day. Hello friends, तो आज है 27 जनवरी और बहुत कड़ाके की धूप निकल चुकी है, जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था और बताया था कि धूप निकलने वाली है। सुबह से ही धूप निकल गई 7 बजे से ही, और अभी नेक्स्ट 4-5 दिन मौसम बहुत क्लियर है और कोई बारिश नहीं होने वाली है। और आज का सीन ये है, ये देखो धूप किस लेवल की निकली हुई है। यहाँ पर सूख रहे हैं हमारे गेहूँ, यहाँ भी छा चुकी है आधे गेहूँ पर, तो इसको खींच के थोड़ा साइड कर देता हूँ। मिर्च मसाले भी सुखा दिए हैं, धनिया और मसूरी का माहौल इस प्रकार है। आज की धूप इतनी खतरनाक नहीं है, कल से और भी ज़्यादा खतरनाक निकलने वाली है। और नीचे दादी कपड़े सुखा रही हैं, इन्होंने भी कपड़े सारे सुखा दिए हैं। सेब का पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है, हवा में कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली यहाँ पर ठेकेदार ने भी इसमें होल कर दिया है मार्बल में, वरना यहाँ पर पानी भरा रहता था। तो अब अगली बार जब बारिश होगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आज का सीन ये है कि आज मुझे ऋषिकेश जाना ही था हर हालत में, लेकिन जोनी भाई की होगी तबीयत ख़राब और बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ी हुई है सहारनपुर की तरफ और वहाँ पर धूप नहीं निकलती। आज भी धूप नहीं निकलती, 2 बार तो मैं खींच चुका इसे, अच्छी तरह से उधर ही कर दो, इस बार काफ़ी देर तक धूप रहेगी। तो जोनी भाई तो आ नहीं रहे, फिर मैंने सोचा कि अकेला देखते हैं क्या करना है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संदीप भी अभी दिल्ली साइड है, अभी वो भी नहीं आएगा। जो मेरा कैमरा है ये बहुत घिसड़ घिसड़ के चल रहा है, मतलब बस पूछो मत, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करता है, 5 मिनट की नहीं, मतलब 1 मिनट ऑन रहेगा और फिर बिजी बताने लगेगा, अपने आप रुक जाता है। तो 1-1 मिनट में, और फिर मैं जब दोबारा से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें बिजी का डिस्प्ले बिजी लिखा आता रहता है और कम से कम आधे मिनट तक आता है। तो आधा मिनट वेट कर, देखो रिकॉर्डिंग करते करते एकदम से रुक गया, अब दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है इसकी, एकदम से बिजी आता है, एक आधा मिनट रिकॉर्ड करता फिर आधा मिनट बिजी रहता है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि, और मेरा मोबाइल का कैमरा भी ख़राब है, उससे मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता। मोबाइल कैमरा भी ख़राब, मोबाइल भी ख़राब, सब कुछ ख़राब, बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाने में आजकल। इसकी वारंटी वगैरह भी सब खत्म हो चुकी है, तो मुझे नया मोबाइल ही लेना पड़ेगा, कोई आईफोन वगैरह की सोच रहा हूँ मैं, कहीं से कुछ जुगाड़ बने तो मैं आईफोन वगैरह ले लूँ, तो लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा फिर। और हाँ, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये डॉग अगर किसी को चाहिए तो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, आपको नंबर दे दूँगा और आप पेमेंट कर देना उसको, और 10,000 रुपीज़ में वो ये डॉग दे रहे थे, किसी को चाहिए तो ले जाओ। फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।